इनकी बात सुनकर महसूस हुआ कि अगर हम गायों को पूछते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका है उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना, जिंदा रहने के लिए उन्हें चारा देना, और ये सब उनसे मिलने वाले दूध के लालच में नहीं बल्कि सेवा भाव से करना। यही तो है इन बेजुबानों के साथ इंसानियत का सच्चा रिश्ता। मैंने आज तक कभी किसी गाय को दूध देते हुए नहीं देखा है, ना निकालते हुए देखा है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो वेलकम आपको, दूध को निकालते हुए दिखाते हैं, निकालते हुए दिखाएंगे, मैं कोशिश भी करना चाहूंगा अगर आप मुझे। हाँ नहीं, वेलकम वेलकम वेलकम। तो एक बार चलते हैं। कितना दे दिया एक समय पे, 5 लीटर दूध दे दिया है गाय। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक टेक्निक है, एक तरीके की जिससे ये दूध निकाल रहे हैं। तो आप मुझे समझा सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कैसे आप दूध निकालते हैं? उंगली दिखाओ अपनी, उंगली। हाँ ये दिखाओ पहले अपनी, ऐसे करो। हाँ जी ऐसे करो आप। अच्छा ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे आया 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 आ गया। देर में गाय लात मार गई। 2-4 दिन हमारे साथ रह लो, सीख जाओगे। 2-4 दिन में आप मुझे ट्रेन कर देंगे गाय का दूध कैसे निकालना है। जी अच्छा, ये बहुत आसान दिख रहा है पर ये उतना आसान नहीं है, और इस दूध का जो स्वाद है बहुत मैं आपको समझा नहीं सकता। बहुत अच्छा, ये आपको गौशाला में आके एक बार ट्राई करना पड़ेगा। दूध इतना फ्रेश है कि कुछ मन कर रहा है दूध से बनाया जाए। तो इन लोगों ने मुझे दिखाया कि दूध कैसे निकालते हैं, तो क्यों ना इनके लिए एक इंटरेस्टिंग सी खीर बनाई जाए। आपके लिए खीर बनाओ तो खाएंगे? बिल्कुल। एक नई तरह की खीर बनाऊंगा आपके लिए। बिल्कुल। तो इस दूध से हम बनाएंगे खीर, ठीक है? दे दे बाल्टी, दूध लेके चल। भाई गाय का दूध तो निकाल लिया, वो इतना स्वादिष्ट था कि मन कर गया एक चॉकलेट खीर बनाने का। दावत राइस इसमें डालेंगे, लॉन्ग एंड फ्लफी ग्रेन राइस है। तो खीर में जब चावल की ग्रेन, जब तक चावल की ग्रेन मुंह में ना आए तो मज़ा नहीं आता, अगर वो मैश हो जाए तो खीर का मज़ा नहीं आता, इसलिए लॉन्ग एंड फ्लफी ग्रेन यूज़ कीजिए। जो मेल्टेड चॉकलेट है मैं ऑलरेडी रेडी कर चुका हूँ डबल बॉयलर पे। हमारे देश में लोग गाने बजाने और जश्न मनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और अजीत सिंह जी ने मेरे लिए एक ऐसा ही सरप्राइज प्लान कर रखा था, एक ऐसा सरप्राइज जिसने मेरी खीर की मिठास और भी बढ़ा दी। आप गौशाला के अंदर आए हैं। हाँ। अच्छा, तो गौ शाम जी को बड़ी प्यारी होती है। तो शाम जी का भजन होगा कृष्ण कन्हैया। हाँ जी, कृष्ण कन्हैया जी को। ठीक है। ऐ शाम तेरी बंसी कम पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, जब बांस की होकर इतना तड़फाती है। काली कमली ने ऐसा जादू ढारा के रंग कोई चढ़ता नहीं। मैं चाहूंगा जितने भी सदस्य हैं गौशाला के सभी तालियां बजाएं। काली कमली ने ऐसा जादू ढाला के रंग कोई चढ़ता नहीं, तेरी चितवन तेरी अदा पे जिस
पे दिल मेरा ये फिदा है। ओ काली कमली ने ऐसा जादू डाला ये रंग कोई चढ़ना नहीं। इतना सुंदर संगीत कि भाई मुझे लग रहा है कि मेरी खीर कहीं फीकी ना रह जाए। खीर की जो परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है वो ना ज्यादा पतली और ना ज्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। वक्त आ गया है इसको सर्व करने का, तो आप लोग रेडी हैं चॉकलेट खीर टेस्ट करने के लिए? मैंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मुझे इंडिया के इतने रंग देखने का मौका मिलेगा, पर रोटी रास्ता और इंडिया के सफर के पहले दिन ने मुझे कई नई तस्वीरें दिखाई हैं, तस्वीरें जिनमें नए दोस्त हैं, थोड़ी हंसी है, थोड़ा संगीत, और इन सबको एक साथ जोड़ता हुआ है एक स्वाद।